लालू यादव ने कुछ ही दिनों पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन को दरवाजे से बिना मिले लौटा दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपने काफिले के साथ आनंद मोहन और लवली आनंद उनसे मुलाकात के लिए रात 9 बजे के आसपास पहुंचे थे। लालू ने यह कहकर मिलने से मना कर दिया था कि अभी वे सोने जा रहे हैं। इसके ठीक उलट बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आनंद मोहन से मुलाकात की। क्या बातें हुई यह तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना तय है कि राजनीति के दो खिलाड़ी जब मिलते हैं तो हलचल तेज हो ही जाती है। यह सच है कि नीतीश के पास सवर्णों में सबसे अधिक आबादी वाले राजपूत बिरादरी का कोई महत्वपूर्ण चेहरा अभी तक नहीं है। आनंद मोहन की राजपूत जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजनीति में आने के बाद उनकी पहचान पहले राजपूतों और बाद में सवर्णों के नेता के रूप में होने लगी थी। आरजेडी में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह जैसे कई नेता हैं जिनकी पकड़ राजपूत बिरादरी में है। जेडीयू इस मामले में कमजोर है। संभव है कि नीतीश से आनंद मोहन की मुलाकात का मकसद यही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार का दामन थाम ले। बीते दिनों जब ठाकुर का कुआं कविता के विवाद पर लालू यादव का परिवार आनंद मोहन और उनके बेटे के खिलाफ हो गया था, तब नीतीश कुमार मौन रहे। हालांकि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद अभी लालू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी आरजेडी में हैं। चेतन आनंद तो विधायक भी बन गए हैं। लवली आनंद को इस बार संभवतः लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर आनंद मोहन को नीतीश कुमार का जितना साथ मिला है उतना लालू यादव से नहीं मिला, बल्कि लालू यादव के शासन में ही गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन का नाम आया। उनकी गिरफ्तारी हुई और फांसी की सजा सुना दी गई। बाद में ऊपरी अदालत ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। लगातार 16 साल तक जेल में रहने के बाद बिहार सरकार के एक निर्णय से उनकी रिहाई संभव हुई। राज्य सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर वैसे अपराधियों को रिहा करने का फैसला किया जो लोक सेवकों की हत्या के आरोप में बंद थे। लोक सेवकों की हत्या के आरोपियों को तत्कालीन जेल मैनुअल के मुताबिक बेहतर आचरण के बावजूद रिहा न करने का प्रावधान था। हाल के दिनों में राजद सांसद मनोज झा द्वारा पढ़ी कविता ठाकुर का कुआं को लेकर विवाद हुआ, तब भी लालू यादव ने आनंद मोहन का साथ नहीं दिया। बता दें कि चेतन आनंद और आनंद मोहन ने मनोज झा के कविता पाठ पर तल्ख टिप्पणी सोशल मीडिया पर की थी। आनंद मोहन ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर उस वक्त वे सदन में होते तो मनोज झा की जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देते। आनंद मोहन की इस टिप्पणी के बाद लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने मनोज झा का साथ दिया। दोनों ने साफ कह दिया कि मनोज झा की टिप्पणी में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे लेकर हंगामा खड़ा किया जाए। लालू ने तो यह भी कह दिया कि आनंद मोहन और उनके बेटे को अक्ल नहीं है।